everyone, how are you all? I hope you all are good. So now today we are going to start your class 6 science chapter 4 explanation part 4. Okay, this is your explanation part 4 and the last part of this chapter. And you have to see properly this video because 4 part is there in your chapter 4. So all videos you have to see, each and every information I mention in these videos. So here now we'll talk about transparency. Okay, and some keywords also we'll explain. Start. See, transparency, yesterday I explained in transparency कि you might have played the game of hide and seek. आपने कभी hide and seek की गेम खेली होगी, right? Think some places where you would like to hide so that you are not seen by others. आपने कभी ऐसी गेम खेली है? Why did you choose those places? Okay? आप ऐसी जगह क्यों ढूंढते हो जहाँ पर आपको छुपने मिल जाए? Hide and seek तो गेम खेला ही होगा. तो why here would you have tried to hide behind a glass? ठीक है, तो आप कभी छुपते हो किसी विंडो के, ग्लास के विंडो के पास? नहीं, ऑफ कोर्स वो तो ट्रांसपेरेंट है ना, तो दिख जाओगे आप. सो नाउ ऑब्वियसली नॉट एज योर फ्रेंड्स कैन सी, आपको देख सकता है आपका फ्रेंड हाइड एंड सीक गेम में. थ्रो दैट स्पॉट यू, आपको पकड़ सकता है वहाँ से. एंड कैन यू सी थ्रो द ऑल द मटेरियल्स, क्या आपने कभी देखा उसके आसपास जो मटेरियल्स होते हैं? यस, दो सब्सटेंसेस और मटेरियल्स थ्रो विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट. इसे क्या कहा जाता है? ट्रांसपेरेंट कहा जाता है. 4.7 फिगर में आप देख सकते हो, सी इन योर टेक्स्ट बुक दिस 4.7 फिगर एंड 4.8. 4.7 फिगर में आपने अभी देखा, दीज आर ट्रांसपेरेंट. सी लुकिंग थ्रू ऑपेक्यू एंड ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट. ओके, ट्रांसलूसेंट मटीरियल. सो दीज मटीरियल्स यू हैव टू सी. देखो, पहले तो एक ऐसा मटीरियल होता है जिसके आर पर आप नहीं देख सकते हो, देखो, ठीक है, ऑपेक्यू. फिर होता है आपका नेक्स्ट ट्रांसपेरेंट. ओके, फिर आपका होता है ट्रांसलेंट मटेरियल. एक ट्रांसपेरेंट होता है, एक ट्रांसलेंट मटेरियल होता है. तीनों मटेरियल्स इनके पास है, ठीक है, अंडरस्टूड. नेक्स्ट सी एवरीवन कि 4.8 फिगर में है ट्रांसपेरेंट बॉटल्स इन अ शॉप. ट्रांसपेरेंट बॉटल भी शॉप में आपको देखने को मिलती है. आप चॉकलेट लेने जाते हो, कुछ सामान लेने जाते हो, तो ट्रांसपेरेंट जितने मटेरियल्स हैं यहाँ पर आपको देखने मिल सकते हैं. फाइन, अंडरस्टूड ना एवरीवन? So here transparent bottle in a shape, and now we can see here properly. Now here see, up glass, water, air, some plastics are examples of transparent material. Glass, water, air and some plastic are example of transparent material. सारे transparent materials हैं, ठीक है, क्या है? Transparent glass, water, air, some plastics. कुछ plastic होती हैं transparent होती हैं. Shopkeepers usually prefer to keep biscuits, sweets and other eatables in transparent container of a glass. आपको पता है, shopkeepers ज़्यादा से ज़्यादा mostly इसमें prefer करते हैं रखना, ताकि सबको दिख जाए और हम लोग खरीद सकें. Plastics में रखते हैं, so that buyer can easily see these things. Buyer जो होता है खरीदने वाला, वो easily ये सारी चीज़ों को देख सकता है. Understood? Here, on the other hand, there are some materials through which you are not able to see. कुछ ऐसे materials होते हैं जिसको आप नहीं देख पाते हो. These materials are called opaque. जो materials आप नहीं देख पाते उनको क्या कहते हैं? Opaque objects. You cannot tell what is kept in a closed wooden box. You cannot tell, आप नहीं बता सकते हो कि एक wooden box में क्या रखा हुआ है. Okay, a cardboard, okay, cartoon or a metal container. Wood, cardboard and metals are examples of opaque material. Opaque material का example सबसे बड़ा है कार्डबोर्ड जो होता है, कार्टून या फिर मटेरियल जो मेटल कंटेनर होता है. मेटल कंटेनर को हम आर पार नहीं देख सकते हैं, वही आपका क्या होता है? कंटेनर. आपको क्या कहते हैं उसको? opaque object. क्या कहते हैं उसे? opaque object कहा जाता है. Understood ना everyone? opaque objects क्या होता है, ठीक है. See next thing. So here do you find, क्या आपको पता है? See, do you find that we can group all materials and objects? हम लोग क्या कर सकते हैं? ग्रुप बना सकते हैं without any confusion as either opaque or transparent. Okay? एक opaque object का और transparent object का आप table बना सकते हो. जो आर पार देख सकते हो उसे transparent में लिखना है, और जो नहीं देख सकते हो जिसके आर पार, उसको opaque में लिखना है. मतलब आप अगर table के आर पार नहीं देख सकते हो, इसका मतलब that is table is opaque. And water is a transparent, air is a transparent,
ओके, कोई भी ऐसी चीज़ जो ट्रांसपेरेंट होती है, यू कैन राइट दिस नेम्स ऑल्सो. अंडरस्टूड एवरी वन? कुछ वीडियो है जिन यू हैव टू सी अगेन, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी एंड सॉल्यूबल इन वाटर के अकॉर्डिंग. सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपेरेंसी का मतलब समझो. वॉट इज़ द ट्रांसपेरेंसी? ट्रांसपेरेंसी मतलब कि सपोज जनरली वी आर एबल टू सी द थिंग्स क्लियरली थ्रू द क्लियर ग्लास, राइट? सो दिस इज ट्रांसपेरेंसी. विंडो, देखो, विंडो पेन ऑफ आर होम्स इन स्पाइट ऑफ, ओके, द फैक्ट दैट देर इज़ अ ग्लास बिटवीन अस एंड द आउटसाइड वर्ल्ड. हमारे बीच में क्या होता है, एक तो ग्लास होता है, फिर भी हम ट्रांसपेरेंट चीज़, मतलब आपके विंडो के बाहर आप सब चीज़ देख सकते हो. सो दो सब्सटेंसेज और मटेरियल्स थ्रो विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी मटेरियल. उन चीज़ों को, उन सब्सटेंस को, उन मटेरियल्स को थ्रो द थिंग्स दैट यू कैन सी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी. मतलब आर पार कुछ चीज़ें आप देख सकते हो, उसको हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं. सो अंडरस्टूड अबाउट ट्रांसपेरेंसी? सिमिलरली वी कैन नॉट टेल वॉट इज कैप्ट इन अ क्लोज्ड विंड, ओके, वुडन बॉक्स. ओके, हम लोग नहीं कह सकते इस वुडन बॉक्स में क्या रखा है. ए कार्डबोर्ड और अ मेटल कंटेनर बाय लुकिंग थ्रू दैम. नाउ दो सब्सटेंसेज ऑफ मटेरियल्स, या सब्सटेंस कहो या मटेरियल्स, थ्रू विच थिंग्स कैन नॉट बी सीन आर कॉल्ड, ओके, ऑपिक्यू मटेरियल. जिसके आर पार आप नहीं देख सकते हो कि उस बॉक्स में क्या है क्या नहीं, उसे ऑपिक्यू मटेरियल कहते हैं. ट्रांसपेरेंट मटेरियल किसे कहते हैं? जिसके आर पार आप देख सकते हो. नाउ ट्रांसपेरेंसी में हियर ओइंग टू दिस रीजन, ओके, ओइंग टू दिस हियर शॉपकीपर्स यूजुअली प्रिफर टू कीप बिस्किट्स स्वीट्स एंड अदर ईटेबल्स इन ट्रांसपेरेंट. वाई? ट्रांसपेरेंट कंटेनर में क्यों रखते हैं? ऑफ ग्लास, सो दैट बायर कैन ईजिली सी दिस आइटम. अगर जो खरीदने वाला है उसे पता ही नहीं चलेगा कि अंदर क्या है, तो उसे कैसे खरीदने को आप कहोगे, ठीक है? आपके मम्मी पापा को आप पूछते हो कि कुछ खरीद के लाना है, सो ट्रांसपेरेंट ग्लास की वजह से आप पता चलता है स्वीट्स है या कुछ भी ऐसी चीज़ है जो हम लोग देख के खरीदते हैं. ओके, इफ़ ग्रीन लाइट पैसेज, ओके, थ्रो ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ग्रीन लाइट पासेज जो होती है, लाइट पास होती है ऑब्जेक्ट्स में, एंड इमर्जिंग लाइट इज़ ग्रीन. सिमिलरली इफ इट इज़ रेड पासेज थ्रू अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, द इमर्जिंग लाइट इज़ रेड. ओके, तो अगर आप देखते हो कि कोई रेड लाइट है या फिर इमर्जिंग लाइट है, तो उसके बारे में हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं. एक्टिविटी 6. ओके, वॉट वी हैव टू डू इन एक्टिविटी 6? फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड्स अ लाइटेन बल्ब. मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन. नाउ पुट 2 and 3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल. नाउ दिस एक्टिविटी यू हैव टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल 2 and 3 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर. आपको एक पेपर लेना है एंड ऑयल के कुछ स्पॉट, इट मीन्स पे स्प्रेड करने हैं, ठीक है. नाउ सी लुक अगेन टुवर्ड्स द लाइटन बल्ब. जो बल्ब है आपको उसमें देखना है थ्रू दैट पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन स्प्रेड. ओके, किस पोर्शन पे, ओके, ऑन विच द ऑयल हैज स्प्रेड, कहाँ पे फैला हुआ है वो ऑयल. एंड डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर? अब आपको देखने मिलेगा क्या कि जो आपका पेपर है, ठीक है, सो बल्ब इज मोर क्लियरली, आपके पेपर से आपको वो बल्ब क्लियरली देखने मिलेगा जिस पेपर से आप ट्रांसपेरेंट पेपर को बना के ऑयल पुट करके ये एक्टिविटी कर रहे हो. सो हियर बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर, या ऑयल पेपर पर आपको देखने मिलेगा? इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट इज विजिबल? क्या सब कुछ विजिबल होगा, देखने लायक होगा? परहैप्स नॉट, मे बी शायद नहीं. द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसलूसेंट. ओके, आर नोन एज ट्रांसलूसेंट, उसको क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट. अंडरस्टूड? हाउ? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, जो मटेरियल है विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, अच्छे से दिख सकता हो, बट नॉट क्लियरली, बस खाली दिख सकता हो, बट क्लियरली नहीं, ओनली खाली दिख सकता हो, तो क्या वो ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे? ट्रांसलूसेंट. रिमेंबर द ऑयली पैचेस. ओके, ऑयली पैचेस इन द सेंस पेपर पर ऑयल के जो स्पॉट होते हैं व्हेन इट टेस्टेड फूड. ओके, व्हेन इट टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट्स. जब आपको याद रखना है कि ऑयली पैचेस जो होते हैं ना, तो वो कब होते हैं? व्हेन द टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट्स. जब फैट्स प्रेजेंट है या नहीं फूड आइटम में ये देखा जाता है. तो
नाउ डैट वॉज ट्रांसपेरेंट टू, ओके, एंड ये भी देखा जाता है कि वो ट्रांसपेरेंट है या नहीं. सी फाइनली के दैट वॉज ट्रांसपेरेंट टू, कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल. यस, हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल के हैं. सपोज ही सी हियर फर्स्ट नेक्स्ट पैराग्राफ के वी कैन देयर फॉर ग्रुप मटेरियल एज ऑपेक्यू. हमारे पास एक ग्रुप है मटेरियल्स का जो ऑपेक्यू है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलेंट है. वैन ओके, हमारे पास एक मटेरियल है जो ऑपेक्यू, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलेंट है. पहली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विद योर पाम एट ओके एट अ डार्क प्लेस. सी दिस एक्टिविटी, आपको पता चलेगा इस एक्टिविटी के थ्रू कि वॉट वी हैव टू डू. पहली सजेस्ट किया उसने कि कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च. आपके पास कोई टॉर्च है, उसके हाथ को आपको अपने हैंड से इस तरह से कवर करना है. आपके पास कोई टॉर्च है, ठीक है. नाउ होल्ड योर टॉर्च विद अदर हैंड एंड अदर हैंड यू हैव टू पुट ऑन द डार्क प्लेसेस पाम. ओके, आपका जो हथेली है उस पर रखना है एट अ डार्क प्लेस. स्विच ऑन टॉर्च, पहले आप डार्क प्लेस पर रखोगे, अब उसको स्विच ऑन करो आपके बल्ब, ये जो आपके टॉर्च है उसको. नाउ ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम शी वॉन्ट्स टू नो. आपने, आपको तो पता होगा कि अदर साइड क्या दिखता है, लेकिन पहली शी वॉन्ट्स टू नो कि क्या दिखता है. ओके, सो नाउ हियर वेदर पाम ऑफ योर हैंड इज ऑपेक्यू. जब आपका पाम ऑफ हैंड ऑपेक्यू है, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलेंट, सो कौन सा है वो आपको बताना है, ठीक है. तो वी लर्न डैट द मटेरियल डिफर इन अपीरियंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड्स. We learn that, okay, materials differ in their appearance. अलग अलग देखने में तो होते हैं materials, and the way they mixed in water. लेकिन जब वो water में mix होते हैं, किसी other liquid में mix होते हैं, तो they may float or sink in water. या तो वो तैरने लगते हैं या फिर sink होने लगते हैं, okay, या तैरने लगते हैं, float होने लगते हैं, और may be transparent, या फिर transparent हो जाता है, opaque हो जाता है, या translucent हो जाता है. Material can be grouped on the basis of similarities or differences in their properties. It means what? Okay, first of all, they may float, sink in water, may transparent, opaque and translucent. But materials can be grouped. Materials can be grouped on the basis of similarities or differences in their properties. Okay, जो materials हैं या तो group में हो सकते हैं, या फिर similarities हो सकती है उसमें, या फिर differences होते हैं in the properties. जैसे किसी कोई मटेरियल हार्ड है, कोई मटेरियल लाइक सॉफ्ट है, या फिर अपीरियंस किसी मटेरियल का जो लेंथ है वो मतलब लेंथ वाइज है, कुछ मटेरियल ब्रॉड है. ओके, अपीरियंस भी हो सकता है इसमें, हार्डनेस भी होती है, ट्रांसपेरेंसी कैसी होती है. तो दीज आर ऑल थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीवन. ओके, और ट्रांसपेरेंसी के लिए एक वीडियो है, देन आई विल शो यू कि ट्रांसपेरेंसी में एक्टिविटी कैसे करनी है. अगेन, नाउ व्हाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स इन एवरी डे. वाई डू वी नीड अ ग्रुप मटेरियल्स एवरी डे. वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस. ओके, जब हम लोग कोई भी ग्रुप मटेरियल्स लेते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस एट होम, वी यूजली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस टूगेदर. इट मीन्स हमारे घर पर जो भी हमारी यूजफुल चीज़ें होती हैं, ओके, सच एज अ मैनर सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होती हैं आर प्लेस टूगेदर. एक जैसी चीज़ें एक जगह पर रखी जाती हैं. जैसे आप कोई कप है, कप सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं तो सब कप को आप एक जगह रखोगे, ठीक है. या ग्लासेस हैं सुई, तो वो भी सब एक जगह रखोगे. तो सेम लाइक दैट सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट देम इजीली. तो ऐसा अरेंजमेंट हमें पता चल जाता है कि ये सब चीज़ें कहाँ पर रखी हैं. ऐसे अरेंजमेंट से हमें पता चल जाता है कि ये सब चीज़ें कहाँ रखी हैं. अंडरस्टूड एवरीवन? सो हियर सिमिलरली ए ग्रोसर यूजुअली कीप्स ऑल टाइप ऑफ बिस्किट्स at one corner on of his shop. See, similarly, grocer usually keeps all type of biscuit at one corner. Okay, एक corner में वो shop पर सारी objects रखता है, क्योंकि transparent में रखता है ना, इसीलिए. या pulses भी रखी जाती हैं, या another वाइज grains हैं, या some at other places. ये सारी चीज़ें ना अलग अलग रखी जाती हैं, properly रखी जाती हैं, ठीक है. क्यों? क्योंकि कोई भी shopkeeper है, अगर उसके shopkeeper में से कोई भी सामान अगर आप नहीं देख सकते, तो how can you purchase? तो आप परचेज कैसे करवाओगे? मे बी चॉकलेट्स हैं, चॉकलेट्स भी पता है ट्रांसपेरेंट लाइक मटेरियल जो होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास होते हैं उसमें रखी जाती हैं चॉकलेट्स हैं. तभी तो आप देख पाते हो कि चॉकलेट्स, कौन सी चॉकलेट आपको पसंद है, कौन सी चॉकलेट आपको लेनी है. सेम लाइक दैट पल्सेस है, ओके, ग्रेन्स है, तो एंड ऑल ये सारी चीज़ें वो लोग प्रॉपरली रखते हैं.
Understood? Next paragraph, everyone. Please concentrately look at here. कि there is another reason why we find such grouping useful. क्यों ये grouping जरूरी है? Dividing materials in groups makes it convenient. Okay? हमारी सुविधा के लिए convenient मतलब हमारी सुविधा के लिए ये सब चीज़ें क्यों जरूरी है? To study their properties and also observe any patterns in these properties. आप पहले उसकी properties को study करोगे, also observe any pattern. कोई भी ऐसा पैटर्न एंड वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस. अभी तो हम ग्रुप्स के बारे में मटेरियल्स के बारे में इतना ही पढ़ रहे हैं, बट मटेरियल्स के बारे में बहुत ज़्यादा जो पढ़ना है तो हम हायर स्टडी में ओके हायर स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर एंड आफ्टर दैट इन द लास्ट आई विल एक्सप्लेन कीवर्ड्स. ओके बट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पैराग्राफ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ट्रांसपेरेंसी एक्टिविटी सिक्स एंड ऑल आपको कैसे करनी है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिविटी में यू हैव टू अंडरस्टैंड एम एंड कौन से मटेरियल रिक्वायर हैं. प्रोसीड्योर ओके मतलब उसकी प्रोसेस क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या किया ओके एंड इन्फरियंस ओके आपने क्या देखा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक योर एम. आपका एम क्या है, आपको एक्टिविटी क्या करनी है. द एम ऑफ दिस एक्टिविटी इज टू नो अबाउट ओके ट्रांसलेन मटेरियल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके एम का पता चला. अब मटेरियल्स का देखो, मटेरियल्स कौन से यूज़ होते हैं. लैब एक्टिविटीज़ आर मटेरियल्स. वाइट पेपर यूज़ किया है ओके, ऑयल यूज़ किया है एंड लाइट बल्ब. थ्री मटेरियल्स आर देयर. ये तीनों मटेरियल्स आप अपने घर में यूज़ करके आप ये एक्टिविटी कर सकते हो. नाउ प्रोसीड ओके, प्रोसीजर मतलब क्या प्रोसेस है. सो प्रोसीड्योर में है आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ वाइट पेपर. यू हैव टू टेक वन वाइट पेपर, लुक थ्रू इट टुवर्ड्स लाइट बल्ब. नाउ टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर. शीट पर आपने थोड़े से ड्रॉप डालने हैं ऑयल के. नाउ वंस अगेन लुक टुवर्ड्स द लाइट बल्ब थ्रू दैट पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन स्प्रेड. ऑब्जर्व द डिफरेंस इन बोथ केसेस. दोनों केसेस में ऑब्जर्व करो. ऑब्जर्व मतलब ऑब्जर्वेशन आपने क्या किया. देखो फर्स्ट पिक्चर में देखो आपको ऐसे ही करना है, सेकेंड पिक्चर में भी आपको ऐसे ही करना है. सो वी हैव नोटिस दैट इन द फर्स्ट केस वी कैन नॉट सी द बल्ब थ्रू द वाइट पेपर, बट इन द सेकेंड केस वी आर एबल टू सी द बल्ब थ्रू द ऑयल पेपर. देखो सेकेंड केस में तो हम आराम से देखते हैं, फर्स्ट पिक्चर में आपको नहीं देखने को मिलेगा. अब नाउ इन्फ्लुएंस ओके, क्या दिखा हमने. द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ओके ट्रांसलेंट मटेरियल्स. ओके सो आप क्या बोलेंगे, ट्रांसलेंट मटेरियल. इन द सेम वे बटर पेपर मडी पेपर ओके सॉरी बटर पेपर एंड मडी वाटर एंड फ्रॉस्टेड ग्लास यूज इन विंडो स्मोक एंड फॉग आर अदर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलेंट. ओके हियर सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट ऑफ द मटेरियल. स्टेट ऑफ द मटेरियल में हम देखेंगे सॉलिड लिक्विड एंड गैस. सो सपोज सॉलिड लिक्विड एंड गैस थ्री मटेरियल. इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीज ओके रिलेशनशिप बिटवीन आइसक्रीम वाटर वाटर वेपर एंड विच आर द हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट एज वी हीट आइस, हम आइस को हीट करते हैं, इट्स ए स्टेट कन्वर्ट्स इंटू वाटर, इट्स अ लिक्विड स्टेट एंड इफ यू बॉयल इन कन्वर्ट इंटू वाटर वेपर मतलब गैसियस स्टेट. एज यू नो गैसियस स्टेट इज देयर ऑल्सो, दिस इज एक्टिविटी स्टेट ऑफ द मैटर्स ओके स्टेट ऑफ द मटेरियल्स. सिमिलरली वॉट हियर वाटर वेपर इज कूल वैन वी गेट बैक वाटर एंड इट इज फर्दर, अगर आप फ्रिज में रखते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में मतलब आइस बन जाएगा. इन द सेम वे सम मटेरियल चेंजेस देयर स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस बीइंग हीटेड एंड फ्रॉम गैस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू ओके गैसियस. सेम लाइक दैट स्टेट ऑफ मटेरियल्स हम लोग देखते हैं कि दैट इज़ व्हाई वी शॉर्ट मटेरियल्स एज सॉलिड लिक्विड गैसियस बेस्ड ऑन देयर स्टेट एट नॉर्मल टेम्परेचर. ओके हम लोग ये प्रोसेस कर चुके हैं इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड. वन मोर एक्टिविटी ऑब्जर्वेशन एंड लर्निंग. Activity, observation and learning is there we have to do. First of all, here, one activity aim. You had to find out what is the aim of this activity. Is activity ka aim kya hai, wo hume pehle dekhna hai. Theek hai, suppose you can see in this picture, in this video, candle is there. So, activity kya hai, see. आपको एक कैंडल लेनी है. टेक अ कैंडल एंड प्लेस इट ऑन द टेबल. उसको आपको टेबल पे रखनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडल है क्या, ये कि मतलब जो कैंडल वर्ड है वो डिराइव हुआ है फ्रॉम द लेटिन वर्ड ओके कैंड्रिया मीनिंग द शाइन.
इसका मतलब है शाइन करना. ओके, कैंड्रो जो लेटिन वर्ड है. लाइट द कैंडल विद द हेल्प ऑफ बर्निंग मैच स्टिक एंड वेट फॉर सम टाइम. पहले आप उसको कैंडल को जलाओगे अपनी मैच स्टिक से. एंड नाउ होल्ड ए बर्निंग मैच स्टिक इन वन हैंड. ओके, अलग हैंड में जो बर्निंग मैच स्टिक है वो अपने हाथ में ही पकड़ के रखोगे. बर्निंग मैच स्टिक क्लोज टू अ कॉलम ऑफ वाइट स्मोक राइजिंग फ्रॉम विक बट डू नॉट टच द विक विद इट. सी एवरीवन, आप उसको फूक मार के पहले बुझा दोगे. एंड ऑब्जर्व द चेंजेस. क्या चेंजेस आएगा इसमें ऑब्जर्व करना है, बिकॉज आपने वापस से मैच स्टिक से उसको बर्न किया है. हियर ऑब्जर्वेशन हमने क्या किया. सी, पहले तो हमने मैच स्टिक को जलाया, उसको वापस फूक मार के बुझाया, अगेन जलाया. सो वी हैव ऑब्जर्व दैट द कैंडल विक, जो उसकी बाती होती है जिस पे आप उसको बर्निंग कर रहे हो, कैचेज अ फायर डिस्पाइट बीइंग एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द बर्निंग मैच स्टिक. मैच स्टिक की थोड़ी सी डिस्टेंस से ही उसने फटाफट कैच कर दिया, ठीक है, फायर को. लर्निंग, क्या सीखने मिला इसमें से हमको, कि फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी लर्न अ कॉलम दैट वाइट स्मोक राइजिंग, जो वाइट स्मोक राइजिंग होता है, ओके, वाइट कलर का जो धुआं होता है, विक रिप्रेजेंट करता है कैंडल वैक्स इन द स्टेट ऑफ गैस. कैंडल जो वैक्स होता है, जो गलता है ना वैक्सिंग, वो स्टेट ऑफ गैस में. हैंस वी कैन कंक्लूड दैट मटेरियल ऑल्सो चेंज देयर स्टेट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. जो स्टेट में चेंज होता है, ये हमने लर्न किया इसमें से, ये चीज़ सीखी कि मटेरियल जो होता है वो अपना स्टेट चेंज करता है. एक्टिविटी सी हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाइंग द स्टेट्स ऑफ मटेरियल्स. ओके, आइडेंटिफाइंग करना है द स्टेट ऑफ मटेरियल्स. हाउ, स्टेट ऑफ मटेरियल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेंगे. जनरली वी ऑब्जर्व दैट सर्टेन मटेरियल कैन चेंज देयर शेप अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द कंटेनर्स एंड दे आर पुट ऑल्सो इन टू वाइट. ओके, वाइल सम रिटेन देयर शेप. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर जनरली क्या ऑब्जर्व किया हमने, कि जो सर्टेन मटेरियल्स होता है वो अपना शेप चेंज तो करता है, बट क्या आइडेंटिफाई किया, कि द मटेरियल विच डू नॉट चेंज देयर शेप आर कॉल्ड सॉलिड्स सच एज वुड, स्टोन, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स, ओके, ब्रिक, वेजिटेबल एंड सो ऑन. जो अपना स्टेट चेंज नहीं करता वो तो सॉलिड सब्सटेंट होते हैं, वेयर एज जो मटेरियल अपना शेप चेंज करता है वो लिक्विड होते हैं, एज वेल एज मिल्क, कैरोसिन, ऑयल एंड सो ऑन. ओके, जो अपना शेप चेंज कर देते हैं, ठीक है, कंटेनर के अकॉर्डिंग. हियर मटेरियल विच चेंज देयर शेप इज कॉल्ड लिक्विड्स सच एज वाटर, मिल्क, कैरोसिन, ऑयल एंड सो ऑन. ओके, तो आप इस बीकर में दो चीज़ रखी हैं जिसका शेप बदल सकता है. नाउ आइडेंटिफाई द स्टेट्स ऑफ मटेरियल. सपोज के यू हैव थ्री कंटेनर एंड वन मटेरियल इज देयर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द स्टेट्स ऑफ मटेरियल. हमें उस स्टेट का, जो मटेरियल का के स्टेट है वो देखना है. सिमिलरली वी हैव ऑब्जर्व दैट शुगर टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर. जैसे जैसे जिस कंटेनर में आप शुगर डालोगे, ओके, किसी ग्लास में पॉर करोगे या बाउल में या इन अ कप, तो आप देखोगे, क्या ऑब्जर्व करोगे, पहले आपको थ्री कंटेनर लेना है अलग अलग शेप के, और अलग अलग शेप के कंटेनर में आप शुगर या सॉल्ट, ओके, वट एवर थिंग्स यू आर टेकिंग, यू कैन पॉर इट इन अ ग्लास, इन अ बाउल, इन अ कप, वन बाई वन. As we know, liquids take the shape of the container. हम जानते हैं कि liquid जो है वो container का shape ले लेता है. So we conclude that sugar is a liquid. Okay, हम सोचते हैं कि हम sugar को क्या करें, liquid. लेकिन but this is wrong. वो liquid नहीं है sugar. Sugar जो है वो liquid तो नहीं है ना. और जो liquid होता है वो किसी container के according अपना shape ऑक्यूपाई कर लेता है, ओके, अपनी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, अपने शेप में आ जाता है. सो हमें ये दिख रहा है कि वो सॉल्ट या सॉरी शुगर है, बिकॉज अ सिंगल क्रिस्टल ऑफ शुगर, एक शुगर का क्रिस्टल देखते हो, ओके, जैसे देख, यू कैन सी इन दिस पिक्चर शोज दैट इट सॉलिड, वेयर अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर शोज दैट इट इज़ लिक्विड. और सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर इज अ लिक्विड एंड दिस इज अ क्रिस्टल. मतलब एक देखिए, आपने देखा है कि क्रिस्टल टाइप का एक होता है शुगर. हम लोग शुगर को ना छोटे छोटे क्रिस्टल में देखते हैं, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में, पीसेस में देखते हैं. वी कैन कंक्लूड दैट शुगर इज सॉलिड. हम लोग कंक्लूड करते हैं कि शुगर क्या है, सॉलिड है. शुगर क्या है, सॉलिड है ना, बिकॉज इट्स ए क्रिस्टल टाइप इज देयर. नाउ दीज कीवर्ड्स यू हैव टू लर्न. फर्स्ट ऑफ ऑल दीज कीवर्ड्स यू हैव टू लर्न. इन दिस कीवर्ड व्हाट इज गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट सी. नाउ हियर फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ड. हार्ड मीन्स वॉट, एकदम हार्ड होता है, ओके, बहुत ज़्यादा कठिन होता है, ओके, टफ होता है, दैट इज़ हार्ड. ओके,
जिसको आप ना लाइक स्पंजेस होते हैं ना, इस तरह से आप नहीं कर सकते हो. इट्स हार्ड मीन्स हार्ड. ओके, हार्ड मतलब होता है जैसे कठिन होना, बहुत ओके सॉलिड होना. इट मीन्स हार्ड, मुश्किल, एकदम कठोर चीज़. नेक्स्ट है आपका सी, इनसॉल्युबल. मतलब इनसॉल्युबल इन द सेंस जो सॉल्युबल नहीं है. इनसॉल्युबल इन द सेंस जो सॉल्युबल नहीं है. सॉल्युबल नहीं है कैसे, कि कोई भी चीज़ है जैसे शुगर है, शुगर इज़ अ सॉल्युबल इन वाटर, शुगर इज़ अ सॉल्युबल इन टी. बट सपोज स्टोन, स्टोन इज सॉल्युबल और नॉट? नो, स्टोन इज़ नॉट सॉल्युबल. ओके, तो इनसॉल्युबल का मतलब चला स्टोन. स्टोन इज़ नॉट कहते हैं डिजॉल्व इन वाटर, सो इनसॉल्युबल. लश्चर, ओके, मतलब लचीलापन जो होता है, लश्चर. ओके, लश्चर बोलते हैं ओके जो लचीलापन होता है किसी चीज़ में, लश्चर चिकना. जैसे कोई लश्चर अपना ग्लिसरीन है ओके, तो आप देखते हो कि वो लश्चर होता है. ठीक है, एकदम चमकना, शाइन भी कह सकते हो. लश्चर मतलब एकदम शाइनिंग मारने वाला, लश्चर. एंड नाउ मटेरियल, मटेरियल मतलब थिंग्स. मटेरियल इन द सेंस थिंग, जो चीज़ें होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड मटेरियल. जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है, मटेरियल. मेटल्स, मेटल्स जितनी भी चीज़ें होती हैं, मेटल्स की, ठीक है, आपने देखी ना मेटल, और मेटल की जो जो चीज़ें होती हैं. ओके, धातु होता है मेटल. ओके, तो उसे कहते हैं मेटल. नाउ नेक्स्ट ऑपिक्यू. ऑपिक्यू मतलब, देखो आपको ऑपिक्यू का मतलब बताया था कि जिसके ऑपिक्यू इतना मतलब कोई ऑब्जेक्ट है उसके आसपास, ओके, आर पार आप ना देख सको. ठीक है, अपारदर्शी कहते हैं ऑपिक्यू. ओके, तो जिसके आर पार आप ना देख सको, नॉट एबल टू सी थ्रू, नॉट ट्रांसपेरेंट. इसको क्या कह सकते हैं, नॉट ट्रांसपेरेंट ऑल्सो यू कैन सी. जो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, डैट इज़ कॉल्ड ऑपिक्यू. रफ, रफ मतलब थोड़ा सा रफ मटेरियल होता है, पता है, रफ होता है, शाइनी नहीं होता है, रफ. ठीक है, तो रफ भी आपका हार्ड वर्ड है, तो यू हैव टू यूज़ दिस वर्ड कि रफ क्या है, रफनेस होती है ना, रफनेस, तो दैट इज़ कॉल्ड रफ. सॉल्युबल, अभी अभी बताया, इनसॉल्युबल अलग होता है, सॉल्युबल अलग होता है. सॉल्युबल मतलब जो डिजॉल्व हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड सॉल्युबल. ओके, रफ, रफ जो होता है जो वो अलग चीज़ है, और सॉल्युबल और इनसॉल्युबल वो डिफरेंट थिंग्स आर देयर, एज यू नो, अंडरस्टूड ना एवरीवन. ओके, नाउ ट्रांसलेंट. ओके, ट्रांसलूसेंट मतलब होता है पारदर्शी, जिसके आर पार आप देख तो सकते हो. ठीक है, पारदर्शी मतलब ट्रांसलेंट. ओके, सो दैट इज कॉल्ड ट्रांसलू. ओके, ट्रांसलूसेंट. ओके, नाउ ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट तो उसके आर पार आप देख सकते हो ना, कोई ग्लास होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट. क्योंकि ग्लास होता है उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं. अंडरस्टूड यू, दीज हार्ड वर्ड्स. ओके, नाउ नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल समरी ऑफ दिस चैप्टर के ऑब्जेक्ट्स. यू हैव टू रीड ऑल ऑफ यू ओके विद मी, कि ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल. एज यू नो कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे चारों तरफ, वो किससे बने हैं, लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल. अ गिवन मटेरियल कुड बी यूज टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट. इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड ऑफ ए सिंगल मटेरियल और मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल. ठीक है, कि अ गिवन मटेरियल कुड बी यूज टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट. इट्स ऑल्सो पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड ऑफ ए सिंगल मटेरियल. ओके, दैट एन ऑब्जेक्ट जो भी है कुड बी मेड ऑफ ए सिंगल मटेरियल और मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल. सी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल हैज़ अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. अलग अलग टाइप के मटेरियल अलग अलग प्रॉपर्टीज रखते हैं. नेक्स्ट, सम मटेरियल्स आर शाइनी इन अपीरेंस. कुछ मटेरियल जो होते हैं शाइनी होते हैं अपीरेंस में, वाइल आर नॉट. एंड सम आर रफ, सम स्मूथ. सिमिलरली सम मटेरियल्स आर हार्ड, वेयर एज सम अदर्स आर सॉफ्ट. कुछ सॉफ्ट होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, कुछ रफ होते हैं. ओके, एंड कुछ शाइनी होते हैं. सम मटेरियल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, वेयर एज सम अदर्स आर इनसॉल्युबल. जो मैंने हार्ड वर्ड्स आपको एक्सप्लेन किए हैं, सेम लाइक दैट, सम मटेरियल्स आर सॉल्युबल एंड सम मटेरियल्स आर इनसॉल्युबल. ओके, सो सम मटेरियल्स सच एज ग्लास ट्रांसपेरेंट एंड अदर्स सच एज वुड मेटल्स आर ऑपिक्यू. सम मटेरियल्स आर ट्रांसलूसेंट. ओके, ट्रांसलूसेंट. नाउ हियर, अभी मैंने तीनों का मीनिंग आपको बताया था कि ऑपिक्यू, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट. सी नेक्स्ट पॉइंट, कि मटेरियल्स आर ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज. मटेरियल्स जो ग्रुप में होते हैं वो किसके बेसिस पर होते हैं, द सिमिलरिटीज ऑफ डिफरेंसेज एंड इन देयर प्रॉपर्टीज. ओके, थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर. जो चीज़ें हैं वो एक साथ होती हैं.
See now, material groups together on the basis of similarities, okay, differences in their properties, understood? And last, things are grouped together for inconvenience, जो हमारे convenience के लिए होती हैं, and study their properties, हमें उसकी study करनी चाहिए properties की, जितने भी properties की study है, वो हमें proper करनी चाहिए, and see, properties of material video also I have sent in your pocket study application, so please, concentratedly look at this video. ओके सो ऑल दिस पॉइंट ये चैप्टर में जितनी भी चीज़ें उसका एक्सप्लेन की है ना वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन की हैं पार्ट वाइज ओके सो दिस इज़ योर लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर पार्ट 4 एंड यू हैव टू सी ऑल द पार्ट्स ऑफ द चैप्टर अंडरस्टूड एंड सी हियर कि दिस समरी यू हैव टू रीड बिकॉज समरी में सारी चीज़ें दी हुई कि क्या क्या आपने इस चैप्टर में पढ़ा है ओके क्या क्या सीखा है एंड एवरीथिंग So thank you students, take care of yourself.